Assalamualaikum guys, welcome back to a new video। तो आज का new video start करते हैं। तो आज काफी late आ गए, देखें धूप भी निकल गई। सुबह आया था बस, इनको मैंने पत्ते तोड़ के दिए और मैं निकल गया कॉलेज के लिए। तो अभी कॉलेज से डायरेक्ट जैसे ही आए तो देखो मुर्गी वगैरह ने अंडा भी दिया हुआ है। फिर अंडा सबसे पहले उठाते हैं क्योंकि अंडे इसके जमा हो रहे हैं। कल वाला अंडा भी टूट गया था, फिर हमसे आधे रास्ते में ही टूट गया था। तो वो तो फिर देखें फेटेलिटी थी, लेकिन फिर भी टूट गया तो हमारे फायदे का नहीं था। वो अंडा फिर हमने तोड़ा हुआ खा लिया, उसको ये रख दिए, जाते उठाएंगे इसको। तो आज जाना है तोते भी लाने, एक हमारे नेबर से उन्होंने बोला मेरे पास तोते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले जाओ, उनके पास केज भी है। तो हमें केज भी दे रहे हैं, वो तोते भी दे रहे हैं। तो मसला ये है कि आज मिस्त्री भाई ने छुट्टी की, मिस्त्री भाई का तो हाफ काम कम्प्लीट है, केज भी बन गए, ये वाले केज भी बन गए। तो अभी कारपेंटर को बुलाते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो उनको बोलते हैं कि सारे जल्दी से लोग, ये हमें यहाँ तोते रखने और तोते, तो अभी इस वजह से हम ला भी नहीं सकते। उन्हें डेली रूटीन बनती है कि जाए लाए, लेकिन फिर वही सोच के किस में रखेंगे, तो यहाँ बन जाएंगे। तो ये सारा काम मिस्त्री भाई का कल एंड हो जाएगा, उनका काम का फिनिशिंग हो जाएगी, वो वहाँ पलस्तर करेंगे। और यहाँ हमारे तो यहाँ पे आ गए, दरवाजे लगेंगे, तो हमारे नेबर्स यहीं आगे पीछे रहते हैं। तो बस जैसे ही तोते लाते हैं सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं, तो डायरेक्ट जादू से आएंगे। ये पता नहीं 5 है, उसमें से मेल फीमेल कंफर्म करते हैं। ये जो एक ये येलो वाली बैठी है मेरे को फीमेल लग रही, और ये वाली मेरे को ये जो ये येलो भी फीमेल लग रही है, और ये वाली कौन सी है, ये तीनों मेल है। बाकी तो ये तीन मेल है, बाकी इन दरवाजों का केज वगैरह नहीं बना तो हम ये रख भी नहीं सकते इसमें। तो फिलहाल कोई यहाँ पे कील वगैरह लगाते हैं और उस पर इसको हैंग कर देते हैं, और इनके दाना वगैरह भी सही डालते हैं, दाना भी ख़त्म है, पानी भी नहीं है। यहाँ के लोग थोड़ा सा वो होंगे कम्फर्टेबल इस पिंजरे में, लोग बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो इनको स्पेस सही नहीं दिया। और बाकी ये एक पेयर का केज है मेरे ख्याल से, और इन यहाँ पे इन लोगों ने 3-5 तोते डाले हुए, और देखिए इनकी सबकी टेल वगैरह टूट गई है क्योंकि यहाँ उड़ते नहीं है सही से। तो ये होगा कि ये केज हमारे जो है ये बहुत बड़े बड़े, इसमें ये लोग उड़ भी पाएंगे, और उनको हम यहाँ एक डंडी लगा देंगे जिस पे लोग बैठेंगे, सब कुछ अब काम होगा। तो बकरियाँ बाहर आई थे देख रही, अभी भी इनको खाना डाला है, सामने पत्ते पड़े हुए, यहाँ तक पहुँच नहीं सकती, ये आगे डालेंगे, ये वहाँ तक जाएंगी खाएंगी। तो उस मुर्गे को जो ये देखें शोर करने लग गए, बेस्ती कर दी मेरी, अब नहीं कर। तो कारपेंटर आता है फिर आपको वो साइज लेगा, क्योंकि आज जल्दी हम इसलिए आए कॉलेज से, क्योंकि कारपेंटर ने नाप लेना था और हमने उसको हर जगह का साइज बताना था कि भाई इस जगह पे ऐसे इस डिजाइन का बनेंगे, क्योंकि नीचे हमने रखनी थी मुर्गियाँ तो वो पूरा दरवाजा हमने खुला ही रखना था, और यहाँ हमने इसलिए पूरा दरवाजा रखा है कि यहाँ छोटा सा बस वो लगाना है जिससे हम तोतों का बाजार चेंज करें, ज़्यादा कुछ नहीं करें। तो एक नई खुशखबरी भी है कि मुर्गी के भाई क्लोक होने के दिन आ गए, मुर्गियाँ अब हल्के हल्के अंडे में बैठती है, तो दो तीन घंटे तक बैठी होती है, उठती नहीं है, बट अंडा जब तक ये ले कर रही है तब तक हम इसके अंडे लेते रहेंगे, इसको मतलब वो नहीं करेंगे। हमारी ये बकरी की पता नहीं कौन सी आदत है, ये दांत निकाल के बैठ जाती है, क्या है बीमारी है क्या आदत है अल्लाह जाने। बस ये कि अभी इनको थोड़ा सा और लूसन डालते हैं, देखिए लूसन में हाथ में लूँ इनके, अगर देखो ये देखें आएंगे, ये लो खाओ। ये बकरी के एक निवाला ले गए, देखें आधे से ज़्यादा लूसन जाएगा, ये देखें पूरा लूसन एक ही निवाले में ले गई है ये भाई। ये बकरी बहुत खाती है, इसको तो हम हुआ भी नहीं कर सकते, बच्चा ये वाला बच्चा पता नहीं क्यों नहीं खाता है, देखिए ये वाला नहीं खाता, इस वाले को देखना ये वाला खाएगा। हालांकि ये दोनों सेम एज के, बट ये वाला मोटा मोटा सही है, पतला सही है, क्यों हालांकि इसके बाल भी ज़्यादा हैं, इसको ज़्यादा मोटा दिखना चाहिए, बट इसका भी हमें कोई कन्फर्म पता नहीं है। वो कल यहाँ मिट्टी डाली थी, इतना साफ सुथरा क्या था, आगे फिर गंदा हो गया, ये भी गंदी बात है, सफाई यहाँ की बहुत मुश्किल है भैया, अगर उसको हमने फुल मेंटेन रख लिया तो हमारे लिए एक एजाज का काम होगा। ये पूरा ले लो भाई, ये लो आप निकाल लो सारा, खाओ। ये नहीं खाता, ये दूध भी इतना नहीं पीता, पता नहीं क्यों, ये कमजोर इस वजह से होगा, कोई और वजह नहीं है। तोतों को इधर रखते हैं ऊपर, क्योंकि मुर्गे मस्त हैं, ऐसे नहीं कि उनको कोई ताड़ी करे उसको मार दें, यहाँ कोई हैंग करने की जगह भी नहीं है जिसपे हम बगैर खेल के मेहनत किए बगैर हैंग कर यही फिलहाल को।
पहले फॉर्म के सबसे पहले पैर है इसके, ये ब्लैक वाली मुर्गी और ये रेड वाला मुर्गा, ये हमारे फार्म के सबसे पहले वो है मुर्गी है, और ये तोते हमारे फार्म के सबसे पहले तोते होंगे, इसको हम याद रखेंगे, और ये बकरी हमारे फार्म की सबसे पहली बकरियाँ होंगी। इसके अलावा जो जो भी बकरियाँ और आएंगी या मुर्गियाँ और आएंगी या तोते और आएंगे या जो भी आएंगे वो हमारे फार्म के दूसरे होंगे। सबसे पहले यही है अगर इनको देखते कि ये लोग कहाँ तक जाते हैं, खड्डे में गिर जाता। फिर सुबह सुबह आए थे, सब जगह पानी लगा दिए थे से कि मिट्टी बैठ जाए, क्योंकि वो जिसने मिट्टी डाली उसने सारे बकरी कील वगैरह नहीं होती जिसमें उन बकरियों को बांधते वो सारे छुपा दिए वहाँ। मैंने फिर कल खड्डा किया है कील मुर्गियाँ बकरियाँ बांधेंगे, ये 3 दिन से अंदर है, अंदर की मिट्टी की वजह से सारे गंदे हो गए। देखें ये सब के सब यहाँ, देखें ये सारे सारे ऐसे ही करते हैं ना, मिट्टी पूरी उड़ती है इनसे। तो अब कारपेंटर का कब से वेट कर, आधे से ज़्यादा घंटा हो गया कि वो आ रही है, वो आए उसका नाप ले ताकि हम उसको फिर डिज़ाइन बताएं, जल्दी हो गई जल्दी बनाए, नहीं तो नहीं है 3-4 दरवाजे में बना के दे दे ताकि हम अपने तोते वगैरह ले। मुर्गियाँ तो चलो बात की बात है, वो तो यही मुर्गी बच्चे देगी, इसके बच्चे आ जाएंगे बड़े होंगे, बाकी एक और मुर्गी इसके लिए लाएंगे वो बच्चे देगी अड्डे बड़े, तो 3-4 मुर्गियों से ही बहुत हो जाते हैं, इतना लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फिलहाल अभी कारपेंटर भाई का इंतज़ार करते हैं, फिर आप समझते हैं। तो सर्दी वगैरह तो तोतों को फिलहाल थोड़ा धूप में रखे हैं, देखें ये लोग धूप से थोड़ा वो ले लें एनर्जी ले लें, क्योंकि धूप पे पूरा दिन नहीं होती, 2:30 बजे के बाद धूप ऐसे गायब हो जाती है कि फिर कल ही उनका स्वीकार होता है। तो फिलहाल तो इसको थोड़ा धूप में रखते हैं, देखें धूप में रखे आवाज़ें भी कर रहे हैं, ये देखें मैं जब भी बोलते हैं आवाज़ कर रहे हैं लोग आवाज़ करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ थोड़ा धूप में आते हैं, इनका एक अच्छा सा बाजरा आता है, वो जिस भाई नेबर्स के पास है उसने बिल्कुल सादा बाजरा खिलाया इनको, तो थोड़ा मिक्स बाजरा खिलाएंगे, वो गर्मी में उसमें बीच होते हैं तो ये सर्दी इनको इतनी नहीं लगती, और इनका भी चारा ख़त्म हो गया वो भी लाना है। तो ये थोड़ा बहुत तो डाल दिया है आज का तो पूरा है, बट कल ऐसा नहीं कि फिर ला नहीं पाए, सच है कि आज इसको पूरा करेंगे। वो जो अंदर एक शैतान मुर्गा खड़ा है उसको भी दाना डाल दिया है, बट इसको पूरी रात पूरी कल वो पूरा वो खुला होता, आज पूरा दिन ये लोग खुले रहेंगे दोनों, एक एक दिन का मैंने इनका वो बनाया शेड्यूल। तो कि अंडा पता नहीं पूरा गंदा कर रही है, चले जो भी है जाएगा तो इसके नीचे लगाया बच्चे निकले, कम से कम भी है 20 अंडे भी अगर मुश्किल से इसने दे दिए तो उसमें से होगा कि 2 तो पहले ही वो ख़राब हो चुके हैं, बाकी इसमें से गिनती से अगर इसने 10 बच्चे भी निकाल लिए तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, अगर उससे कम निकाले तो भाई वेल लॉस है। तो आज मैं जाऊंगा इसके लिए कवेट वगैरह लाऊंगा, जहाँ पे इसको मैं आखिरी के 2-3 अंडों पे वहीं बिठाऊंगा, कवेट वगैरह से ये होता है कि ये पे और मेरा तो ध्यान है कि यहाँ बिठाऊँ, बट वो छोटा भाई बोल रहा है कि वहाँ बिठाऊँ उस वाले केज में है कि इसके लिए पीली लाइट लगा लेंगे कि सर्दी भी ना लगे, दाना वाना वो बड़ा भी है ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है, देखें ये बड़ा केज इसमें रख देंगे तो इस वजह से। और बकरियों के लिए आज जैकेट भी लाए, 2 तो फिट करवाने के लिए घर वालों को दी हुई क्यों, बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी हद से ज़्यादा। अभी जब मैं सिनेमैटिक शॉट बना रहा था तब ये तोते चीख रहे थे, देखें धूप में ये खुश है यानी, ये देखें तो यानी खुश है तो खुश ही रहने देते, धूप में थोड़ा हो ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि ज़्यादा रखेंगे गर्मी भी लग सकती है, और गर्मी से लगेगी लेकिन बट ये पूरा दिन ये धूप में होता है, तो इनको रात को अच्छा शेड देंगे, रात को इसको कोई चादर वगैरह इनसे लपेट लेंगे या कुछ कर लेंगे। फिलहाल इसको धूप में रखते हैं और मुर्गियों वगैरह का दाना डालते हैं, क्योंकि मुर्गियों वगैरह का दाना भी ख़त्म है, अभी अभी लाए और डाला है इन लोगों ने वापस चट कर दिया, और ये मुर्गा मेरे को थोड़ा सुस्त लग रहा है, एक्टिव है या सर्दी लगी है या नाटक कर रहा है, इन तीनों में से एक चीज़ कर रहा है, जो भी ये करे बस जब बीमार ना हो बस ये हमारे पे एहसान कर दे। अभी बकरियों के लिए कछुए लाए थे वेस्ट, जो मतलब वो आगे पीछे का होता है, तो वो लाए थे वो हमने गीला करके ही डाल दिया था, तो गीला करके इन लोगों ने फिर सही से नहीं खाया था, सही से क्या मतलब खाया ही नहीं था, ऐसे ही फेंक रहे थे, तो हमारे को उस भाई ने बोला बेटा कि ऐसा नहीं करो, क्योंकि ये इसको धूप, जो मिस्री भाई थे उसने बोला धूप नहीं होती, धूप में रखा करो ताकि धूप इनको लगेगी ना
तो ये सूख जाएगा, फिर इससे जो बदबू होती है ये सब ये साइड पे हो जाता है। तो अभी भी इसमें मेरे को थोड़ी बहुत मिर्चियाँ दिख रही है, अब पता नहीं कि ये लोग मिर्चियाँ खाती है कि नहीं खाती, ऐसा नहीं कि बुरा लग जाए इनको। तो इससे पहले इससे मिर्चियाँ हटाते हैं, क्यों हमें पता नहीं है, किसी नॉलेज में इतना नहीं है, किसी से पूछ लेंगे, अगर उसने बोला हाँ ये लोग सब कुछ खाती हैं फिर खैर, बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम लोग ये डालना बंद कर देंगे, क्योंकि मिर्ची की वजह मिर्ची होती है, इनको तो नहीं लगती है, मेरे को पता नहीं है सही से। तो तभी मैं चुन रहा हूँ, ये चुननी है, तो ये ऑस्ट्रेलियन तोतों को डाल देंगे, अगर वो भी नहीं खाते तो फिर फेंक देंगे। ये मुर्गियाँ ना खाए, मुर्गियाँ खा लिए तो खा लें, इनको पानी पड़ा हुआ है, ये बाकी नहीं है मेरे को लग गए, तो डाल लेते हैं इनको, शौक से खाएं तो गुड है, अगर आज भी नहीं खाया, अभी भी मेरे को थोड़ा थोड़ा गीला लग रहा है, बट खैर है, मुँह तो मार रही है। आलू का जो छिलका होता है ये लोग बड़े शौक से खाते हैं, बाकी जो प्याज का होता है ये लोग चुन चुन के हटा देते हैं उसको। चलो खाए कुछ तो खा रहे हैं, वेस्ट खाना है वैसे ही कचरे में फेंकने, ऐसे छह लोग खा रहे हैं, इनकी खुराक पूरी हो, फेंक दोगे ज़मीन पर फेंक देते हैं उसको। ये लोग एक दूसरे से अभी भी गले से बसियाँ घुमाई हुई, इनको मैं दूर दूर मानता हूँ, ये चीखते हैं, दूर दूर मानना भी नहीं, तो आदत अपनी अच्छी कर ले, तो मैं इनको दूर दूर भी नहीं मानूंगा। अभी सिर्फ गले से एक दूसरे की बसियाँ घुमाई हुई, एक उस तरफ एक उस तरफ, तो इनको सीधे करते हैं और फिर मिलते हैं। इस तोतों के लिए यहाँ कील ठोकी, इन तोतों को यहाँ फिक्स कर दिए, क्योंकि यहाँ येलो लाइट्स भी लगी हुई है दो दो, तो इनसे ये है कि तो ये तपिश भी पड़ेगी, तो ये लोग इनका बीमार बने कोई चांस नहीं है, नाइन पे अब हम बोरी डालेंगे। इस जंगली मुर्गियों के साथ छोड़ दिए लोग यहाँ, इनको ऊपर इसलिए टांगा क्योंकि यहाँ देखो इस सुराख से अक्सर नेवला आता है, तो नेवला आता है वो तो इनको मिनट में पान पे चट कर जाएगा, इतना बड़ा चूजा चट कर, ये क्या चीज़ है। तो इस व्लॉग को भी एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। इस चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त करें, ताकि हम अपने 10K सब्सक्राइब गोल करें और अपना गोल अचीव करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और काफ़ी